जब तक वो जिंदा रहा पूरे 2 साल तक 5 राज्यों की पुलिस के लिए छलावा बना रहा। जब उसकी मौत हुई तो उसके अंतिम संस्कार के लिए पुलिस को 20 दिनों का इंतजार करना पड़ा। और अब जब उसकी मौत के बाद उसके एनकाउंटर के मामले पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की तो यही क्लोजर रिपोर्ट एक बार फिर पुलिस के गले की फांस बन गई है, क्योंकि कोर्ट ने राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर में शामिल कुछ पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलाने का हुक्म दे दिया है। यानी कि जिंदा तो जिंदा, मुर्दा आनंदपाल भी अब राजस्थान पुलिस का पीछा नहीं छोड़ रहा। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने अब आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले उन 7 पुलिस वालों के खिलाफ मर्डर केस दर्ज करने का आदेश दिया है, जिन्हें कभी आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद तमगों से नवाजा गया था। कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर आनंदपाल और उसके कारनामों की याद पूरे प्रदेश को हो आई है। आनंदपाल के अपराध किसी से छुपे नहीं है और इन अपराधों की सद में उसका परिवार भी अछूता नहीं रहा। आनंदपाल के भाई भी जेलों के चक्कर काट चुके हैं, तो वहीं आनंदपाल की बड़ी बेटी चीनू पर भी कई तरह के आरोप राजस्थान में लगे हुए हैं। आनंदपाल की 2 बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी बेटी का नाम चरणजीत सिंह और चीनू है, तो वहीं छोटी बेटी का नाम योगिता सिंह है। आनंदपाल की बड़ी बेटी को तो राजस्थान की लेडी डॉन भी कहा जाता है। आनंदपाल इनकाउंटर केस में कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर चीनू का जिक्र हो आया है, क्योंकि चीनू के चाचा और आनंदपाल के छोटे भाई मंजीत पाल सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भजनलाल सरकार से अपील की है कि वो चीनू को वापस अपने घर लाना चाहते हैं और इसीलिए उस पर लगे तमाम मुकदमों की जांच फिर से और ठीक से करवाई जाए। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर चीनू अपने देश से बाहर कहाँ रह रही है, वो क्या करती है और भारत में उन पर कितने मुकदमे दर्ज है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, मगर सबसे पहले आप भी ये सुनिए कि मंजीत पाल ने चीनू को लेकर क्या कुछ कहा। जी, जब ये हर किसी मुकदमे में मुलजिम बना रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग गवर्नमेंट चेंज हुई है तो हम भजनलाल जी सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं बार बार कि भाई इसको दोबारा जितने भी मुकदमे हैं उनकी दोबारा जांच करें और जो चीनू की भूमिका है उसको भी विशेष तौर से जांचें, क्योंकि उस बच्ची का कोई दोष नहीं है। जो IIT करने वाली बच्ची है उसके आपने इतने मुकदमे लगा दिए इन अकाओं के चक्कर में, तो उनकी सही जाँच करके लाएं ताकि हम हमारी बच्ची को घर ला सकें। आपको बता दें कि आनंदपाल सिंह की बड़ी बेटी यानी कि चीनू दुबई में रहती है और कहा जाता है कि चीनू वहीं से आनंदपाल गैंग को ऑपरेट भी करती है। चीनू का नाम चर्चा में तब आया जब 2022 में राजू टेहट का मर्डर हुआ था। इस हत्याकांड में शामिल एक आरोपी शक्ति सिंह ने राजू टेहट की हत्या की साजिश में चीनू की भूमिका बताई थी। राजू टेहट केस में चीनू मोस्ट वांटेड है, मगर विदेश में होने की वजह से पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है और मामले की जांच लंबित है। सबसे पहले 2015 में चीनू का नाम अपराध में तब आया जब आनंदपाल फिल्मी अंदाज में नागौर के लाडनू से पेशी से लौटते हुए फरार हो गया था। फिर फरारी के दौरान अलग अलग ठिकानों पर रह रहा था। कहा जाता है कि फरारी और छुपने की प्लानिंग भी चीनू ने ही की थी। चीनू उस वक्त भी दुबई में थी और चीनू दुबई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गई थी, मगर अपराध की दुनिया में नाम आने के बाद वापस नहीं लौट पाई। वह पिता आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद उनके अंतिम संस्कार के दौरान भी भारत नहीं आई थी और फिर आनंदपाल की मौत के बाद विदेश से वह इस गैंग को चलाने लगी। कहा यह भी जाता है कि गैंग के गुर्गों के साथ वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ भी काम करने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।